नमस्कार, बहुत स्वागत आपका खबर दोपहर में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत, मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। ब्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हैं मौसम से जुड़े बड़े अपडेट की खबर के साथ। देश भर में मॉनसून का कहर जारी है, मौसम विभाग ने अलर्ट इस बाबत जारी किया है। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। अगले 48 घंटों में भारी बारिश की चेतावनी भी मौसम विभाग की तरफ से दी गई है। जोधपुर अजमेर संभाग में अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें कि आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए बताया है कि मध्य प्रदेश के ऊपर बना डीप डिप्रेशन आज पूर्वी राजस्थान में पहुंच गया है, जो कमजोर होकर डिप्रेशन में परिवर्तित हो गया है। 24 घंटों में और धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर बढ़ने लगेगा, कमजोर होकर विल मार्क लो प्रेशर में परिवर्तित होने की संभावना भी है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि डिप्रेशन के प्रभाव से आज अजमेर, पाली, राजसमंद, जालौर, सिरोही, नागौर के साथ जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर जिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। वहीं पाली, नागौर, जोधपुर जिलों में एक दो स्थान पर अत्यंत भारी बारिश यानी कि 200 mm से अधिक बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। और कहा कितनी बारिश अब तक हो चुकी है, जरा ये भी आप ग्राफिक्स के जरिए जान लीजिए। जहाजपुर में 213 mm बारिश दर्ज की जा चुकी है। हिंडौली की अगर बात करें तो 217 mm और इसी के साथ ही नैनवा में 100 mm तेजी के साथ बारिश दर्ज की गई है। यानी 4 से 5 दिन अभी आपके लिए कुल मिलाकर सावधान रहने की जरूरत है। अति बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है। बकानी में 133 मिलीमीटर अब तक बारिश दर्ज की गई, सोजत में भी 261 mm बारिश दर्ज की गई है। और वहीं जिस तरह भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई है और कितनी mm यानी कि मिलीमीटर कितनी बारिश हो चुकी है वो आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि सड़कें भी दरिया बनती हुई कैसी नजर आ रही हैं। अति बारिश की संभावना जताई गई है, ऑरेंज और येलो अलर्ट और साथ रेड अलर्ट कई सारे जिलों में जारी कर दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर बना डीप डिप्रेशन आज 5 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के ऊपर पहुंच गया है और यह डीप डिप्रेशन से एक स्टेप कमजोर होकर फिलहाल डिप्रेशन की कैटेगरी में बना हुआ है। इस सिस्टम के अगले 24 घंटों में धीरे धीरे वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में बदलने यानी एक स्टेप और कमजोर होने तथा धीरे धीरे पश्चिमी राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के असर से पिछले 24 घंटों में कोटा संभाग, इसके अलावा अजमेर संभाग, जोधपुर और उदयपुर संभाग के अनेक स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश रिपोर्ट हुई है। इस सिस्टम के असर से कई इलाकों में भारी से अत्यंत भारी जबकि कहीं कहीं एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट हुआ है। तो आपको 8 तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं चाहे वो बालोतरा हो या फिर झालावाड़ या फिर जोधपुर या फिर पाली, ब्यावर, राजसमंद या फिर जैसलमेर और सवाई माधोपुर, हर जगह पर 48 घंटों की भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और भारी बारिश की वजह से किस तरह से सड़कों का हाल बेहाल हो चुका है ये भी नजर आ रहा है। तो मूसलाधार बारिश किस तरह से आफत बनी है, तस्वीरें आपके सामने इस बात की वानगी करती हुई। बालोतरा में देखिए किस तरीके से जहां तक आप नजर घुमाएंगे पानी ही पानी नजर आ रहा है। ब्यावर का भी कुछ वैसा ही हाल है, जैसलमेर में तो नदी नाले उफान पर आ चुके हैं, घरों तक पानी भर चुका है। जोधपुर में हादसा तक हो गया, 3 लोगों की दीवार गिरने से मौत हो गई, ओवरफ्लो नदियां हैं। पाली में भी कुछ हालात ऐसे हैं, घुटनों घुटनों पानी मार्केट में और रिहायशी इलाकों में भी भरा हुआ है। वहीं राजसमंद में भी देखिए किस तरीके से झरने हैं, वो खूबसूरत तो बने हैं लेकिन इन सबके बीच में जो निचले इलाके हैं वहां पानी ज्यादा भरा हुआ है और ऐसे में लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। सवाई माधोपुर की भी तस्वीरें आपके सामने हैं, झालावाड़ में भी कुछ ऐसा ही हाल बना हुआ है। तो सवाई माधोपुर झालावाड़ में डैम पे जो ये पानी गिर रहे हैं उनका फ्लो आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा तेजी से बह रहा है। जोधपुर में कई बांधों के गेट भी खोल दिए गए, इस वजह से निचले इलाकों में पानी भर गया है, वहां से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट करने का काम भी चल रहा है ताकि। और जोधपुर में भी ये देखिए कि रेलवे ट्रैक किस तरह धस गया,
वो तो ट्रैकमैन की सूझबूझ की वजह से रेल हादसा टाला गया, वरना अगर इन धसी हुई ट्रैक पर रेलवे पटरी पर अगर रेलगाड़ी दौड़ती तो आप सोचिए कि कितना भीषण सड़क हादसा हो सकता था। फिलहाल जिस तरह से 48 घंटों से झमाझम बारिश इन 8 जिलों में हो रही है, इसको लेकर आगे भी भारी बारिश की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। 8 जिलों का हाल आपको देख रहे हैं, कुछ ऐसे ही और जिलों के हाल भी नजर आ रहे हैं। और ये भी अपने दर्शकों को बता दें कि अजमेर हो या फिर टोंक, साथ ही केकड़ी, बाड़मेर, यहाँ पर स्कूलों की छुट्टी तक करनी पड़ी है। और अगर बात जैसलमेर की कर ले तो इस बार अगस्त में जमकर बारिश हो रही है। इस सीजन में पहली तेज बारिश से जैसलमेर में जगह जगह पानी भराव की स्थिति भी बनी है। शुक्रवार देर रात बारिश का दौर जो शुरू हुआ सोमवार तक सुबह जारी रहा। जैसलमेर शहर के अलावा पोकरण, सम, मोहनगढ़, साकड़ा, फतेहगढ़ कई इलाकों में बारिश 7 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। साल 2018 में अगस्त महीने में एक दिन में 72 mm बारिश दर्ज की गई। सम क्षेत्र में लगातार बारिश के चलते बाढ़ के हालात बने हुए हैं। सम क्षेत्र में पिछले 3 दिन में 227 mm बारिश दर्ज की गई है और अब तक 326 mm बारिश दर्ज की गई है, जो कि पिछले 25 साल का रिकॉर्ड है। और इसके पहले अगर हम बात करें तो सब 1999 में 373 mm बारिश हुई थी। जैसलमेर जिले में 2006 में बाढ़ आई थी और तब भी सम क्षेत्र में सिर्फ 256 mm बारिश हुई थी। दूसरी तरफ जिले भर में बारिश का दौर रविवार की रात तक जारी रहा। सोमवार को अल सुबह को बूंदाबांदी जारी रही। कलेक्टर प्रताप सिंह ने आमजन से बारिश के मौसम के दौरान जल भराव वाले क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है। सतर्क रहकर सुरक्षित रखने की लगातार प्रशासन लोगों से अपील कर रहा है। सरहद जिले जैसलमेर में पिछले 3 दिनों से इंद्रदेव मेहरबान दिख रहे हैं। सावन के माह में लगातार 3 दिनों से बूंदाबांदी और बारिश का दौर जारी है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश से तालाब भी लबालब हो चुके हैं। जैसलमेर के प्रसिद्ध गड़ीसर तालाब में भी पानी जमा हो गया है और पर्यटक यहां झूमने और घूमने पहुंच रहे हैं। सावन के माह के आज सोमवार को बारिश से शिव भक्तों में जबरदस्त उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। जैसलमेर के जिला कलेक्टर ने शनिवार और सोमवार 2 दिवस की बच्चों की स्कूली छुट्टी कर दी है ताकि कोई अप्रिय घटना। कैमरामैन से आग्रह करूंगा वो तस्वीर दिखाएंगे। हम इस वक्त खड़े हैं जैसलमेर के तालाब पर। इस सीजन की जबरदस्त बारिश है और 7 साल का अब की बार ये रिकॉर्ड तोड़ा है। पिछले 2018 में 72 mm बारिश हुई थी, अब की बार जबरदस्त बारिश हुई है। आम जन में जबरदस्त उत्साह है, किसानों में जबरदस्त उत्साह है, फसल को लेकर भी उम्मीद जताई जा रही अच्छी बेहतर फसल होगी। जो ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब लबालब हो चुकी हैं, खड़ी लबालब हुए कई जैसलमेर के कई जो इलाके हैं उसमें पानी भर गया है और प्रशासन द्वारा जगह जगह विशेष सतर्कता बरती जा, जिला कलेक्टर खुद उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि पानी से, बरसाती पानी से कोई प्रकार सा हादसा न होकर कोई प्रकार की अनहोनी नहीं हो। जैसलमेर जिले में लगातार आज सोमवार से भी ही अल सुबह से बारिश का दौर जारी है। कैमरामैन चंद्रवन के साथ सावलदान रत्नू, न्यूज 18 राजस्थान, जैसलमेर। और फिर से खबर जैसलमेर से ही है। जैसलमेर पर इन दिनों इंद्रदेव मेहरबान दिख रहे हैं, जिससे सरकारी स्कूलें हों या फिर भवन, हर कोई जलमग्न हो चुका है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम स्कूल जलमग्न हो गया है। वहीं ज्यादा बारिश के चलते स्कूल भवन में बनाया गया पुराना हॉल भी गिर गया। जिला प्रशासन द्वारा अवकाश घोषित होने से कोई जनहानि नहीं हुई। स्कूल में विद्यार्थियों के लिए छुट्टी है लेकिन शिक्षकों के लिए आना जरूरी है और ऐसे में उनके लिए आना काफी मुश्किल है। गलती से बालक बालिकाओं ने स्कूल के पानी की गहराई को कम माना तो जिंदगी दांव पर लग सकती है। वहीं 4 से 5 फीट पानी की परत चढ़ी हुई आपको दिखाई पड़ रही है तस्वीर में। प्रदेश उपाध्यक्ष प्रकाश विश्वोई ने बताया कि आखिर प्रशासन कब सचेत होगा। सम ब्लॉक के मुख्य स्कूल और विश्व विख्यात सम धोरे की स्कूल की हालात खराब है। ये राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सम है जो पानी से भर गया है और पीछे के एक दो भवन गिर भी चुके हैं और यहाँ जो शिक्षक आ रहे हैं उनको इसी पानी से पानी को पार करके आना पड़ रहा है। बाद दूर दूर तक पानी फैला हुआ है, पूरी स्कूल जल से भरी हुई है और जल मगन में भी सभी शिक्षक साथी यहाँ आकर के इसी के अंदर आते हैं, प्रवेश करते हैं। और खबर अब अजमेर से है, जहां पर बारिश लोगों पर सितम ढा रही है। आम जनता के साथ पुलिस महकमा भी परेशान नजर आ रहा है।
एसपी ऑफिस और एमबीओ एमओबी कार्यालय में पानी भर गया है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। और बेसमेंट होने के चलते लगातार वहां पर पानी भरता ही जा रहा है, पूरी बिल्डिंग जर्जर है और जिसकी वानगी आपको दिखाई पड़ रही है। जब बारिश मूसलाधार हो रही है तो किस तरह जो सीलिंग है, फॉल सीलिंग है, वो लगातार गिर रही है। कई जगह से प्लास्टर गिर चुका है। शाखा में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा काम कर्मचारी करते हैं। वहीं अलवर गेट थाना भी लगातार बारिश से जलमग्न हो गया है। ऐसे में पुलिस कर्मियों को काम करने में परेशानी हो रही है। तो आम जनता लेकिन पुलिस महकमा भी लगातार हो रही बारिश से अजमेर में परेशान है। जर्जर हालत की बिल्डिंग देखिए, बेसमेंट होने की वजह से निकासी का कोई द्वार नहीं नजर आ रहा है, लगातार बेसमेंट में पानी भरता जा रहा है। ये कार्यालय एमओबी और पुलिस थाने की है, एसपी कार्यालय की, जहां पर आप देख सकते हैं ये बेसमेंट की तस्वीर है, इसमें भी पानी भरता जा रहा है, निकासी का कोई द्वार नहीं जैसा हमने आपको बताया। दूसरी तरफ ये देखिए कि किस तरह प्लास्टर भी वहां पर बारिश होने की वजह से लगातार गिरते जा रहे हैं। और पाली में भी कुछ इसी तरह हालात है, तेज बारिश का दौर यहां पर भी जारी है। पटरी से मालगाड़ी भारी बारिश के बीच में उतर गई है। बारिश की वजह से पटरियों पर पानी दरअसल भर गया था। लालपुरा के पास हादसा ये हुआ है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरें आपको हम घटना स्थल की दिखा रहे हैं। पाली से ये खबर है, तेज बारिश का दौर लगातार यहां पर कल से जारी है पटरी से, लिहाजा भारी बारिश की वजह से जो पानी भरा था मालगाड़ी उतर गई। इधर पश्चिमी राजस्थान के बड़े हिस्से में भारी बारिश के चलते इलाकों में चलने वाली कई ट्रेनें प्रभावित हो रही हैं। जोधपुर मंडल के केरला पाली मारवाड़ यार्ड में पानी के भराव के चलते इस रूट पर चलने वाली ट्रेनें रद्द की गई हैं या फिर आंशिक रद्द या फिर उनके रूट में बदलाव किए गए हैं। बिलाड़ा जोधपुर बाड़मेर मुनाबाव के बीच दोनों ओर चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों और बाड़मेर जोधपुर स्पेशल ट्रेन को रद्द कर दिया गया है, जबकि कई ट्रेनों के रूट में बदलाव भी किया गया है। इनमें बीकानेर पुणे लालगढ़ दादर और इंदौर जोधपुर ट्रेनें शामिल हैं। रेलवे के मुताबिक जैसे ही जलस्तर कम होगा ट्रेनें फिर से सुचारू रूप से चलाई जाएंगी, लेकिन अब चूंकि जो रेलवे ट्रैक है वो पटरी जो है वो डूबी हुई है, लिहाजा एहतियातन इस तरीके का फैसला लेना पड़ा है। तो पश्चिमी राजस्थान में ट्रेनें भी भारी बारिश की वजह से रद्द हो रही हैं। स्टेशन के बीच में अत्यधिक बारिश के कारण से वाटर लॉगिंग हो गया है, जिसके कारण से गाड़ियों का संचालन प्रभावित हुआ है। संरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए हमने रेल संचालन को अभी कुछ समय के लिए सस्पेंड रखा है और इस कारण से जो वाटर लॉगिंग हुई इसके कारण से 3 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है, 3 गाड़ियों का आंशिक रद्दीकरण किया गया है और 6 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। इसके अलावा हमने वैकल्पिक व्यवस्था भी की है, जिन गाड़ियों का रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण किया गया उन यात्रियों के लिए हम बस या कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था भी कर रहे हैं। साथ ही साथ जो यात्री जिनका रद्दीकरण या आंशिक रद्दीकरण हुआ है उनकी गाड़ियों का वो रिफंड भी ले रहे हैं और नियमानुसार उनको रिफंड भी दिया जा रहा है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया 139 NTS या हमारे NWR के सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो करते रहें, वहाँ पर हम अपडेटेड जानकारी दे रहे हैं और हमारी जो मंडल की संरक्षा की टीम है, जो इंजीनियर्स की टीम है, वो लगातार सेफ्टी की दृष्टि से पूरा साइट का मुआयना कर रही है और जैसे ही जल का स्तर कम होगा हम गाड़ियों का संचालन जो है पुनः शुरू। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां अग्निवीर सैनिकों के शहीद होने पर राहत पैकेज से जुड़ा सवाल। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार से सीधा सवाल पूछा है। नेता प्रतिपक्ष के सवाल का सरकार ने जवाब भी दिया, कहा कि अग्निवीर भी सशस्त्र सेनाओं का अंग है, कारगिल पैकेज के तहत राहत मिलेगी, बैटल कैजुअल्टी पर भी समस्त सुविधाएं मिलेंगी। तो सदन में अग्निवीरों का एक बार फिर मुद्दा उठता हुआ नजर आया है। आपने संसद में तो इस मुद्दे को देखा ही, इसके साथ साथ राजस्थान के विधानसभा में इस मुद्दे की गूंज देखने को मिली है। ये मैं ये कहना चाहूंगा, मेरा आज तारांकित क्वेश्चन लगा हुआ था अग्निवीर को लेके और जिसके अंदर मैंने ये स्पष्ट पूछा था कि अग्निवीर को राजस्थान सरकार शहीद के समान सुविधाएं देना चाहती है या उसको शहीद मानना चाहती है कि नहीं। आज सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो अग्निवीर को अलग से कोई सहायता नहीं देना चाहते, वो भारत सरकार अगर उसको शहीद मानेगी तो ही उसको सहायता देंगे। मैं ये कहना चाहूंगा, बड़ा संवेदनशील ये मुद्दा है, पूरे देश के अंदर इस पर चर्चा हुई है। पहली बात कि अग्निवीर को ही जिस प्रकार से ये नौकरी जो शुरू की ये सरकार के द्वारा, इस पे ही लगातार सवाल उठ रहे हैं
और उसके बावजूद आज हमारा कोई जवान बॉर्डर के ऊपर शहीद होता है, एक जवान को शहीद का दर्जा मिलता है, दूसरे जवान को शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। तो ये जो सरकार का दोहरा रवैया है, इससे नौजवानों का जो भविष्य है वो खराब हो रहा है। और विशेष रूप से अगर कोई अग्निवीर अपने देश की सेवा करते हुए वीरगति को प्राप्त होता है तो सरकार उसको शहीद नहीं मानती है, उसको जो लाभ मिल रहा है वो सिर्फ बीमा का लाभ। जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 3 बजे सफाई कर्मचारियों की वार्ता होनी है। नगर निगम हेरिटेज के श्रमिक संघ कार्यालय पर समझौता वार्ता होगी, जिसमें खुद मंत्री जावर सिंह खर्रा मौजूद रहेंगे। विधायक कालीचरण सराफा के शामिल होने की भी संभावना जताई जा रही है। विधायक बाल मुकुंद आचार्य गोपाल शर्मा के शामिल होने की भी संभावना है। पहले श्रमिक संघों के साथ 1 बजे ये वार्ता होनी थी, लेकिन अब टाइम शिफ्ट करके 3 बजे किया गया। विधानसभा सत्र के कारण समय में बदलाव हुआ है। सरकार के द्वारा हड़ताल को लेकर आज वार्ता के बाद माना जा रहा है बड़ा फैसला हो सकता है। राहत की उम्मीद यहां पर तमाम जयपुरवासियों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए नजर आ रही है कि शहर शहर कई टन कूड़े के ढेर इकट्ठा हो गए हैं। 13 दिन हो चुके हैं हड़ताल के, लेकिन इन सबके बीच में यहां पर कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया। अब खुद चूंकि मंत्री इस समझौता वार्ता में शामिल होंगे जावर सिंह खर्रा, लिहाजा ये माना जा रहा है कि बीच का रास्ता निकाला जाएगा। अरबाज हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अरबाज, कुल मिला के माने कि आज कोई बड़ा फैसला निकलेगा? जी बिल्कुल, देखिए कि पहले 1 बजे ये वार्ता होनी थी, हालांकि विधानसभा सत्र जारी है तो जो मंत्री हैं जावर सिंह खर्रा उनको थोड़ा समय लग रहा था, उनके साथ ही 2 विधायक भी रहेंगे वार्ता में, जिसमें हवामहल विधायक जो हैं बाल मुकुंदाचार्य और किशन सिविल लाइन्स विधायक जो हैं गोपाल शर्मा वो भी मौजूद रहेंगे। तो वो करीब 3 बजे निगम जो हेरिटेज है वहां पर पहुंचेंगे, वहां बातचीत होगी और काफी हद तक जैसा कि जानकारों का कहना है कि जो रजामंदी है मांगों को लेकर के बन चुकी है, और कहीं ना कहीं जो श्रमिक संघ है वो भी जो सरकार के प्रस्ताव से सहमत हैं। अभी बैठ करके औपचारिक रूप से जो सरकारी नुमाइंदे हैं वो सबके समक्ष उनकी मांगों को लेकर के क्या घोषणा करते हैं, वहीं ऑन द स्पॉट इस चीज को लेकर के फैसला होगा और अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि थोड़ी बहुत देर बातचीत होने के बाद में जो अनाउंसमेंट होगा आज शाम तक ही जो हड़ताल है उसको ये खात्मे का ऐलान हो सकता है और ये सफाई व्यवस्था है जरूरी भी है कि अब इस वार्ता में कोई अंजाम निर्णय रूप पर निकल आए ताकि हड़ताल को खत्म किया जा सके और गंदगी की वजह से जो आम जनता बेहाल है उससे वो निजात पा सके। जयपुर में एक आपको अनोखी खबर बताते हैं, जहां एक महिला ने एक साथ 4 बच्चों को जन्म दिया है। इनमें 2 मेल हैं, 2 फीमेल हैं। डॉक्टरों का कहना है कि चारों बच्चे समय से पहले पैदा हो गए हैं और ऐसे में चारों का वजन कम है। बच्चों को नीकू में भर्ती कर मॉनिटरिंग भी की जा रही है। दरअसल महिला को दौसा से रेफर किया गया था जयपुर, जहां आज सुबह महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है। क्यों? कल एक महिला दौसा से रेफर होके आई थी, जिसकी आज सुबह डिलीवरी 8:05 पर हुई है। उस महिला ने 4 बच्चों को जन्म दिया है, जो कि चारों बच्चे समय से पहले पैदा हुए हैं और चारों बच्चों का वजन काफ़ी कम है। उनमें से 2 बच्चे मेल चाइल्ड हैं और 2 बच्चे फीमेल चाइल्ड हैं। दोनों मेल चाइल्ड का वजन अप्रोक्सीमेटली 1 किलो है और फीमेल चाइल्ड का वजन 1 का 900 ग्राम है, 1 का 730 ग्राम है। उन चारों बच्चों को माइल्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कंप्लेंट है, जिसके लिए हम इंजेक्शन सर्फेक्टेंट लगा रहे हैं और ऑक्सीजन दे रहे हैं। उन चारों बच्चों को निकू में भर्ती किया गया है और उचित इलाज दिया जा रहा है। खबर चुरू से है, जहां पर यूनियन बैंक के पास एक होटल से 8 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने आखिरकार आरोपी मैनेजर को गिरफ्तार कर ही लिया। पुलिस की अगर माने तो 1 अगस्त होटल मालिक ने इस मामले में शिकायत दी थी कि करीब 3 महीने से यहां काउंटर पर सीकर के महेश पारी को कार्य पर रखा था, जो गल्ले का हिसाब रखता था, जिसके पास उनके होटल का करीब 3 महीने के कैश का हिसाब था। और अब 31 जुलाई को जब आरोपी फरार हुआ, तब उसका मोबाइल जब स्विच ऑफ आया, ऐसे में गल्ले का हिसाब और सीसीटीवी फुटेज जब चेक किए गए, वीडियो में महेश कुमार बार बार गल्ले से रुपए निकालते हुए दिखा। रिपोर्ट में बताया गया है कि महेश पारिक ने करीब 8 लाख रुपए चोरी किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है और अब उसे जेल भी भेज दिया गया है।
ये होटल सनराइज बार के मालिक अश्विनी कुमार ने दिनांक 1/8/2024 को मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसमें बताया कि मेरे होटल में काम करने वाले मैनेजर ने होटल के गले से 8 लाख रुपये निकालकर फरार हो गया था, जिस पर बाद अनुसंधान आरोपी महेश कुमार पारी को गिरफ्तार किया गया है और बाद अनुसंधान आदेशी करवाया जा रहा है। उधर दौसा में सरकारी शिक्षक के साथ लूट का मामला सामने आया है। घटना के तीसरे दिन भी कोई कार्रवाई नहीं होने से नाराज ग्रामीणों ने पापड़दा थाने का प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी, कहा अगर 24 घंटे में आरोपियों को नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे, साथ ही पापड़दा के बाजार भी बंद कराए जाएंगे। पाली में पोस्टर शिक्षक राहुल का कहना है कि वो पाली से दौसा आया था और दौसा से बाइक से अपने गाँव जा रहा था। इस दौरान बदमाशों ने उसका पीछा किया और दागोलाई के पास लूटपाट की। सर मैं दौसा से आ रहा था और रात को 10 बज रहे थे और बाइक मेरे पीछे से बाइक लगाई उन्होंने अलूदा से, थोड़े वो आगे आकर के वो डागोड़ा के पास में से और वो 6 जने थे और मेरे फिर लपट गए, मेरा गला वाला पकड़ा और मेरा मोबाइल और मेरा बैग मेरा पर्स और सब कुछ छीन करके ले गए सर। और उसमें 20,000 नकद थे और मेरा मोबाइल था और मेरे डॉक्यूमेंट सब ले गए सर। तो प्रदेश में चोरों के हौसले बुलंद हैं, पुलिस के लिए चोर चुनौती बने हुए हैं। आलम यह है कि चोर पुलिस स्टेशन के पास भी वारदात करने से नहीं चूक रहे। प्रदेश के 2 अलग अलग जिलों में चोरी की वारदातें सामने आई हैं। पहला मामला गंगापुर सिटी का है, जहां चोरों ने एक साथ 2 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों दुकानों से लगभग 1 लाख रुपए का माल लेकर चोर फरार हो गए, जिससे व्यापारियों में दहशत का माहौल है। और ये दूसरी घटना करौली की है। यहाँ पर गणेशगंज बाजार क्षेत्र में एक घर में अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने सोने चांदी के आभूषण सहित लाखों रुपए की नकदी पर और सामान पर हाथ साफ किया है। घटना के बाद इलाके के लोगों में खासा पुलिस के खिलाफ गुस्सा है। और नीट की तैयारी करने वाले बिहार निवासी कोचिंग छात्र की मौत फिलहाल रहस्य बनी हुई है। परिजनों के बिहार से कोटा पहुंचने के बाद मृतक छात्र के शव का गमगीन माहौल में पोस्टमार्टम करवाया गया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने मृतक छात्र के शव को परिजनों को सौंप दिया है। हालांकि छात्र की मौत साइलेंट अटैक मानी जा रही है, लेकिन फिलहाल डॉक्टरों ने इनकी पुष्टि नहीं की है इन कारणों की। और अब पुलिस को भी मृतक छात्र के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का ही इंतजार है। 2 दिन पहले छात्र अपने दोस्त के कमरे में सो गया था, लेकिन अचेत अवस्था में मिला। आनंद फानन में जब छात्र को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। मृतक छात्र मूल रूप से बिहार के पटना का रहने वाला है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर में रहकर निजी कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी कर रहा था।